हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं महुआ काम करने के लिए और हाइड्रोलिक पंप लगाना है। देखते हैं, हाइड्रोलिक पंप लगाते हैं, L&T कंपनी का है और लगाते हैं आपको हाइड्रोलिक पंप और दिखाते हैं, और कुछ रास्ता में भी आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग जाते हैं। महात्मा गांधी सेतु पुल होते हुए जाते हैं और आपको दिखाते हैं महात्मा गांधी सेतु पुल भी दिखाते हैं आपको। गाइस, यहाँ से महात्मा गांधी सेतु पुल स्टार्ट हो गया है और देखिए वहाँ लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से महात्मा गांधी सेतु पुल स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए, और मेरा किलोमीटर देख लीजिए, और द एंड होगा पुल, वहाँ भी किलोमीटर आप देख लीजिएगा, और आपको सैर कराते हैं महात्मा गांधी पुल का। महात्मा गांधी सेतु पुल का तो अब एंडिंग हो गया, और एंडिंग पॉइंट देखिए इतना है, और ये सीधा हाजीपुर निकल जाएगा रोड। और हम लोग अभी पटना से आए हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाए थे और एंडिंग पॉइंट भी आपको दिखा दिए, किलोमीटर भी दिखा दिए, बस माइनस कर दीजिएगा। और क्या बोलता है कि आपको किलोमीटर का अंदाज़ा पता चल जाएगा कितना किलोमीटर है, क्या है महात्मा गांधी सेतु पुल। और चलिए हम आगे चलते हैं, हमको जाना है महुआ, हम महुआ जाके काम करना है, हाइड्रोलिक पंप लगाना है, और आपको हाइड्रोलिक पंप लगाते हैं और दिखाते हैं कैसे क्या है, और लगाते हुए आपको बताते हैं। गाइज, हम मशीन के पास पहुंच गए और आप लोग को मशीन हम दिखाते हैं। यहाँ पे आने में बहुत समय लगा, हाजीपुर में बहुत ही जाम था, आपको क्या बताएं, हाजीपुर बहुत ज़्यादा जाम था, पता नहीं किसी कारण से जाम था, पर हम अभी पहुंच गए हैं और हमको आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग गया है। 60 किलोमीटर चले हैं मगर उतना समय लग गया क्योंकि हाजीपुर में बहुत जाम था। आप लोगों को मशीन दिखाते हैं, ये देखिए इसी का काम करना है हम लोग को, मशीन को L&T है, बहुत ही पुराना मॉडल है, 4 मॉडल या 5 मॉडल के आसपास है L&T 770। आप लोग को इसका दिखाते हैं हाइड्रोलिक पंप हम लोग को लगाना है, लगाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, खोलते हैं और लगाते समय का दिखाते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। पूरा गाड़ी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। आज गाड़ी के नीचे में काम है हम लोग को। यहाँ पे भट्ठा पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे लेकिन देखिए बैक फ्लिक मार रहा है, मारो बढ़िया से, गिरना नहीं। गाइस, आपको हाइड्रोलिक पंप चेंज करना होगा, तो हाइड्रोलिक पंप चेंज करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल भी चेंज होता है। इसके लिए आपको ये आप देख रहे हैं, ये उसको पूरा अगला लोडर उठा दिया कीजिए और पीछे का बूम पूरा उठा दिया कीजिए, उसके बाद गाड़ी बंद करके आप हाइड्रोलिक टंकी खोल के उसका आप तेल गिरा सकते हैं। जो उसके बाद टंकी खोल दिया, तेल गिरेगा, उसके बाद तब तक इसको आराम से मूव करा के नीचे ले आना है, दोनों को नीचे ले आना है कि आपको जो सिलेंडर का तेल रहेगा वो आपको ऑटोमेटिक टंकी में चला है रिटर्निंग में। उसके बाद टोटल गाड़ी में से तेल खाली हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा खाली हो जाएगा, आप आराम से इसको कर सकते हो। और हाइड्रोलिक पंप चलते हैं, लगाते हैं और खोलते हैं, दिखाते हैं आपको, इतना आप तो जान गए होंगे, दिखा रहे हैं आपको। जैसे हम लोग देखिए गाड़ी बंद कर दिए हैं, उसके बाद सब मूव कर रहे हैं कि सब में से तेल ऑटोमेटिक टंकी में चला जाए। देखिए वहाँ हो गया, वो भी हो गया, और अब बूम डाउन होगा, बूम डाउन करेगा, अब यहाँ बूम डाउन किया जाएगा, इसमें से भी तेल समझिए कि खाली हो गया आधा, पूरा लीवर हिला दिया जाता है, और अगला लोडर का कर रहा है। इसे लोडर खोल दिया गया और इसको डाउन कर दीजिए,
आपका जितना हाइड्रोलिक रहेगा टंकी में चला जाएगा। चलिए अब आपको हाइड्रोलिक पंप दिखाते हैं। देखिए गाड़ी के नीचे हम घुस रहे हैं और आपको दिखाते हैं हाइड्रोलिक पंप इसका। ये वाला आपका हाइड्रोलिक पंप हो गया। चालू कर तू। देखिए ये हाइड्रोलिक पंप हो गया, चालू कर रहे हैं। हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया ये वाला, हाइड्रोलिक पंप देख रहे हैं और हाइड्रोलिक फिल्टर ये है। और इसका काम करते हैं, इसको खोलते हैं, पूरा खोलना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा और नया डालना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं हाइड्रोलिक पंप खोल रहे हैं। देखिए पहले क्रॉस खोल लिए हैं इसका, और ये हॉस पाइप है जो हाइड्रोलिक पंप जिससे तेल घिसता है टंकी से। देखिए टंकी में लगा हुआ और टंकी से घिसता है, इसको खोल लिए हम लोग, ढीला कर लिए। अभी इसको निकाल नहीं रहे और निकालते हैं इसका हाइड्रोलिक फिल्टर, तब देख ही रहे हैं। और इसको पंप खोलने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। पंप के जस्ट ऊपर में दो पैंप रहता है 36 नंबर से, उसको भी पहले खोल लिया कीजिए कि दिक्कत ना हो पैंप खोलने में। और बाकी आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और चार बोल्ट पे पंप आपका कसा हुआ है, देखिए पहला बोल्ट, दूसरा बोल्ट और दो बोल्ट वो साइड है, ठीक है। और इसको खोल के बस बाहर निकाल लेना है। गाइस देखिए हम लोग हाइड्रोलिक पंप खोल लिए हैं और खोल रहे हैं। हॉस पैंप भी खुल गया और हॉस पैंप को हटाते हैं। देखिए गाइस निकाल रहा है हाइड्रोलिक पंप को बाहर। और देखिए हॉस पैंप हम लोग लटका दिए हैं, आपको दिखाते हैं, एक मिनट रुकिए। गाइस हाइड्रोलिक पंप देखिए बाहर निकल गया है और उसका अंदर थ्रेड रहता है, उसमें फंसा हुआ रहता है, बहुत ही भारी रहता है। और देखिए देखिए कैसे दिक्कत करता है, कम से कम 30 किलो से ऊपर वजन के रहता है। और बस थोड़ा सा है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्या कि अकेले होगा नहीं हुए, और निकालते हैं साथ में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। गाइस हम लोग पंप खुल गया, पंप देखिए हाइड्रोलिक पंप हम लोग के खोलते खोलते रात हो गया। हाइड्रोलिक पंप देखिए क्या करे था, इसको इसमें एक थ्रेड और रहता है, उसको खोलना पड़ा हम लोग को, मजबूरी हो गया क्योंकि पंप पूरा डायरेक्ट निकला नहीं, अंदर में सीज किए हुए था, इसके वजह से उसको खोल के निकालना पड़ा हम लोग को पंप। और आप लोग को पंप दिखाते हैं, आप लोग को कल है पंप तो कुछ होता कि नया पंप लगाते हैं उस दिखाते हैं। इस समय तो रात हो गया और हम लोग कल मॉर्निंग में काम करेंगे, समझिए खोलते खोलते बहुत परेशान हम लोग हो गए और रात हो गया काम करने में। इस देखिए अभी भी काम कर रहा है ये अंदर में, हम अभी रिंच सब बाहर पोंछ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कल मॉर्निंग में सब पंप वंप लगाते हैं नया, तो बताते हैं कैसे क्या है। चलिए गुड नाइट, कल करते हैं आप लोग को शुरुआत। गाइस हम लोग का आज दूसरा दिन है पंप खोलने का और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। और आपको दिखाते हैं हाइड्रोलिक पंप हम जो रात में खोले थे और नया वाला, दोनों दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये आपको ओल्ड वाला पंप हो गया जो नाइट में खोले थे, बहुत दिक्कत किया खोलने में, इसको यहाँ से खोलना पड़ गया हम लोग को, उसके बाद इसको निकालना पड़ा अंदर से ट्रांसमिशन में से, और बहुत ज़्यादा तंग किया है। और ये देखिए नया वाला पंप जो हम लोग को लगाना है, उसमें अभी एडाप्टर लगा रहा है पैंप वाला। और आपको दिखाते हैं अंदर, अंदर में लगा के। गाइस हम लोग हाइड्रोलिक पंप लगा दिए हैं और देखिए ये लग गया हाइड्रोलिक पंप, और अब पैंप कनेक्शन कर रहे हैं। और आप लोग को पैंप कनेक्शन करने के बाद पूरा फिनिश हो जाता है तो आपको दिखाते हैं, और इसके बारे में हम अभी बताते हैं। हाइड्रोलिक पंप का काम आपका यही है कि प्रेशर को रिलीज करता है, इसका प्रेशर कम से कम होना चाहिए 2800+। 2800+ रहेगा तो आपका गाड़ी सही तरीका से काम करेगा, जैसे बकेट हो गया, बूम हो गया, लोडर हो गया, जिसे आप मट्टी कोर पाएंगे। इससे कम रहेगा तो धीरे धीरे मशीन काम करेगा, पर धीरे धीरे काम करेगा। और ये इतना 2800+ रहेगा प्रेशर तो मशीन आपका सही काम करेगा और सही तरीका से काम करेगा। और हम लोग तो हाइड्रोलिक पंप नया लगा दिए हैं, अब तो और अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि मशीन है बहुत पुराना मॉडल और इसमें नया पंप लगा, हाइड्रोलिक पंप वो भी पार्कर का लगा है। और देखते हैं इसको हम लोग लगा दिए हैं और उसके बाद फिर चालू लू करके आप लोग को दिखाते हैं, और इसका शायद प्रेशर मिलाना होगा तो प्रेशर मिला के आप लोग को दिखाएंगे।
पंप फिनिशिंग हो जाता है ऊपर में, तब उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को कैसा है क्या है। अभी हम लोग गाड़ी के नीचे हैं, देख लीजिए ये आपका पंप लग गया, यहाँ पंप लग गया है गाइस। हम लोग हाइड्रोलिक पंप फिट कर लिए हैं और आप लोग को दिखाते हैं हाइड्रोलिक पंप फिट किए हैं जो, और बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और प्रेशर मीटर भी, जो वायर आप देख रहे हैं प्रेशर मीटर का है, जिससे आप हाइड्रोलिक पंप फिट कर लेते हो उसके बाद प्रेशर मिलाया जाता है। देखो प्रेशर मीटर आप देख लो, देख लो, देख लीजिए, इसे प्रेशर मीटर मिलाया जाता है। और हम लोग प्रेशर मिलाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे हाइड्रोलिक पंप, आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे फिट कर लिए। ऑल टू ऑल क्लियर हो गया हाइड्रोलिक पंप। और हाइड्रोलिक पंप फिट करे तो इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोलिक भी उसका चेंज कर दिया कीजिए कि दिक्कत आपको बाद में ना हो। और हाइड्रोलिक फिल्टर वगैरह भी आपको चेंज करना है, जो कि आपको फिल्टर सब दिखाया भी थे, अभी भी दिखा देते हैं हम कि कैसे क्या है, कैसा कौन सा गाड़ी का फिल्टर कैसा है। जैसे एलएनटी का आपका है फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर एक ही रहता है, वो बाहर रहता है, और आपका गाड़ी और गाड़ी का किसी का टंकी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, दोनों रहता है। टंकी के अंदर रहता है जो पंप घिसता है तो टंकी के अंदर वाला फिल्टर काम करता है, और रिटर्निंग देता है जो टंकी के बाहर वाला फिल्टर काम करता है। और आपको बताते हैं, आप फिल्टर अपना हाइड्रोलिक दिखा देते हैं हाइड्रोलिक पंप कि आप लोग देखिए पूरा क्लियर कर लिए हैं यहाँ पे नीचे में हम लोग, और आपको दिखाते हैं। देखिए सब यहाँ फिनिशिंग हो गया, क्रॉस त्रॉस सब लग गया है, हाइड्रोलिक पंप भी लग गया, और आप देख सकते, देखो गाइस हाइड्रोलिक पंप लग गया, दिख रहा होगा यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है, जो एना बोन्ड देके हम लोग लगाए हैं जो चिपका रहे, ऑयल अपने से थोड़ा सा लीकेज भी हो तो वहाँ से गिरे ना। और देखिए ये आपका प्रेशर मीटर हो गया, इसे हम लोग प्रेशर चेक करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग पूरा काम कर लिए, गाड़ी चालू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ देर गाड़ी को छोड़ देंगे चालू, इसलिए कि हाइड्रोलिक पंप जब गर्म हो जाएगा तो प्रेशर अपना सही देगा। और प्रेशर हम लोग को 2800 से 3200 के बीच में ही रखना है, ज़्यादा रखना भी नहीं है, क्योंकि जेसीबी रहता है उसमें आपका 3400 आपको प्रेशर जाएगा, पर इसमें उतना नहीं जाता है, इसमें 2800 से 3200 आसपास काफ़ी है। ठीक है, आप लोग दिखाते हैं जब चालू कर लेते हैं उसके बाद। आप वीडियो में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नया नया अपडेट आपको मिलते रहेगा, जैसे जैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे ना, जैसे जैसे अपलोड करेंगे आपको जितना जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं बस चालू करने के बाद। गाइस हम लोग गाड़ियां स्टार्ट कर लिए हैं और देखिए 4000 है गाइस, ये आप देख रहे हैं एलंकी लगा हुआ, ये वाला ये आपका MRB हुआ, इसी से प्रेशर कम या बेस किया जाता है, और इसको हम लोग अभी कम कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर 4000 है, कम कर दे रहे हैं पहले कि दिक्कत बाद में ना हो। फिर आप लोग को दिखाते हैं प्रेशर मिला के, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गाड़ी, फिर उसके बाद चला के चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए 2500 प्रेशर है अभी फिलहाल, छोड़ो गाइस, हम लोग का गाड़ी कंप्लीट हो गया और चेक हो रहा है गाड़ी। गाइस गाड़ी बन के तो कंप्लीट हो गया, और देखिए ड्राइवर साहब वहाँ चला रहे हैं गाड़ी, और गाड़ी मेरा बन के कंप्लीट हो गया, बना दिए गाड़ी से हम लोग, और उसके बाद चेक हो रहा है, चेक हो गया है बढ़िया से। और क्या बोल रहे थे, अब वीडियो पे आप नए आएंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, बाय।